नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एशियन वॉइस। गोंडा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश की एक विचारधारा है। सन 1948 में डॉक्टर हेडगेवार ने पहली संवाद एजेंसी बनाई, लेकिन संघ में प्रचार औपचारिक रूप से 1994 में आया। यह बात नारद जयंती की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचार प्रमुख नरेंद्र सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवा संघ अपने संगठन का प्रचार नहीं करता। हम जो विचारधारा लेकर चल रहे हैं वह इस देश की विचारधारा थी। हम विचार का प्रचार कर रहे थे। आज भी हम समाज में 1% नहीं हैं। भले ही संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन गया हो, हमारा प्रमुख उद्देश्य है कि समाज को राष्ट्रीय विचारधारा पर खड़ा करें। इस विचारधारा के अभाव में यह देश 800 वर्षों तक पराधीन रहा। डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि हम अपनी विचारधारा समाज के 99% लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आज भले ही जहां संघ की शाखा ना हो, इससे लोग जुड़े ना हो, वहां भी हमारी विचारधारा चल रही है। गुंडा से राहुल तिवारी की रिपोर्ट। लेकिन 1994 में संघ में प्रचार विभाग बना, तो ऐसा नहीं 1994 में बना, इसके पहले ही था। और डॉक्टर हेडगेवार जी के समय में भी पत्र पत्रिका निकलती थी। 1948 में भारत में पहली संवाद एजेंसी संघ के संशोधन बनाई। और सन 48-49 से राजधर्म तो प्रचार में हम थे, लेकिन औपचारिक रूप से संघ में प्रचार 1994 में आया। उसके पीछे कारण क्या था? कारण उसके पीछे ये था कि कोई अपना प्रचार नहीं करना, आइए संगठन का प्रचार नहीं करना। आइए भाई साहब, जिस विचार को लेकर हम चले, वो विचार इस देश का विचार है। तो हमारी एक तो विचारधारा कि समाज में सही विमर्श बनना चाहिए, तो जो हमारी विचारधारा है उस विचार का प्रचार, क्योंकि हमारा क्या है, आज भी हम समाज में 1% नहीं है। संघ भले दुनिया का बहुत बड़ा संगठन कहा जाता हो, पूर्वी कहा जाता हो, है हम 1% से कम, 0.5% हमारा, जो जिसको हम संशोध की हमारी जो मर्यादा आर्था है उसको 0.5% है, तो फिर 99.5% कहा जाएगा। हमने कहा कि हमको पूरे समाज को राष्ट्रीय विचारधारा के आधार पर खड़ा करना है। इस विचार के अभाव में इस देश ने 800 साल पराधीनता या संघर्ष का काल रहा। उस पूरे समाज को खड़ा करना है। डॉक्टर हेडगेवार जी ने ये नहीं कहा था कि हम एक संशोधन के अलग फौज बना करके और फिर समाज का हम, तो उन्होंने कहा कि पूरे समाज का संगठन करना है, तो 99 तक हम भी बात कैसे पहुँचाएंगे। तो 99 तक बात पहुँचाने के लिए आप समझे समाज में उचित तरीका कैसे बात करेंगे, जहाँ आज प्रत्यक्ष संघ नहीं है, शाखा नहीं है, लेकिन विचार के समर्थक है, भले वो संघ से न जुड़े हों, लेकिन हमसे अधिक प्रखर हिंदुत्ववादी लोग समाज में बहुत बड़ी संख्या में हैं।